हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, एट होम में आज हमने कुक किया है फ्रेंच फ्राई। सी फ्रेंड्स, लुक एट ऑन माय फ्रेंच फ्राई। सो फ्रेंड्स, एट होम में जो बनाना एक होती है अलग ही चीज़ होती है, इससे नुकसान भी नहीं करती। सो फ्रेंड, एट होम में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आई नो फ्रेंड कि आप हमसे बेहतर जानते हो। आई डोंट नो कि ये कैसी बनी होगी, आप लोग ये थिंक कर रहे होगे। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये बहुत डिलीशियस लगती है, बहुत यम्मी। ओ माई गॉड, आप मैं आपको कैसे अपने मुँह से बताऊँ कि मैं कैसे आपसे अपनी तारीफ करूँ। सो फ्रेंड्स, आप बिलीव मी कि मैं बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत इजली है, बहुत इजली बना लेती हूँ, बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ तो मैं बताती हूँ कि फ्रेंड मैंने कैसे बनाया है। मैंने आप पोटैटो को आप 4 या 5 ले लो, एंड उसको स्टार निकालने के लिए आप उसको वाटर में छोड़ दो और 2-3 वाटर तक उसको वॉश कीजिए। एंड उसके बाद कट करने के बाद भी इस तरह से फिंगर जैसे काट लीजिए, फिंगर चिप जैसा। एंड उसके बाद उसको भी वाटर में वॉश करिए। एंड उसके बाद जितनी भी स्टार्च निकलती है इसके थ्रो कर दीजिए। एंड वाटर में साल्ट डालने के बाद इसको कुक करिए। एंड इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड, बस थोड़ी सी बॉईल करना है। सो फ्रेंड, उसके बाद अगर आपके पास फ्रिज है तो ठीक है, नहीं अगर है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, आप टेंशन मत लेना। एक टॉवेल या आपके पास सूती कोई कपड़ा होगा तो उस पर आप उसके रख लो, और एंड उसको थोड़ा सा वाटर को थोड़ा थ्रो कर दो, एंड उसकी जितनी भी वाटर है वो ड्राई कर लेगा। सो फ्रेंड, उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट अगर ऑयल होती है उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए। एंड सो फ्रेंड, ये बहुत मतलब यम्मी करके निकलती है, इतनी कुरमुरा, इतनी सुंदर साउंड कि आप पूछो ही मत। सो फ्रेंड, ये ऐसे निकलेगी। अब इसमें आप चिल्ली एंड जो भी मसाले फ्राई करेंगे ड्राई, उसमें आप डाल सकते हो, जैसे कि क्यूमिन सीड, ब्लैक सीड एंड ब्लैक पेपर सीड एंड रेड चिल्ली सीड। सो फ्रेंड, इसकी पाउडर आप बनाना एंड इसके बाद इसमें मिक्स करना। उसके बाद एक बार और पैन फ्राई में डालिएगा ताकि और भी इसकी निखार आ जाए। सो फ्रेंड, आपको मैंने बताया एंड आपको मैं वॉच कराती हूँ कि मैंने कैसे किया है। सो फ्रेंड, वेट एंड वॉच। सी फ्रेंड, मैंने आपको शो कराया है। सो फ्रेंड, लुक एट दिस। सो फ्रेंड, ये देखिए, बहुत मैंने चिल्ली एंड साल्ट और ब्लैक पेपर डाला है, एंड इसके हिसाब से डाला है। बहुत मीन्स मतलब इतना भी नहीं डाली जितना कि आप खा नहीं पाओ, बट मैंने डाला है थोड़ा ताकि थोड़ा स्पाइसी लगे और बहुत यम्मी लगे। सो फ्रेंड, इसको मैं मिक्स करूँगी एंड उसके बाद मैं पैन फ्राई में डालूँगी। मेरी ऑयल हीट हो चुकी है फ्रेंड, मैं डालने जा रही हूँ। एंड फ्रेंड, मैंने देखिए डाला है सी। अब मैं इसको 2-3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि इसको और भी कुरमुरा हो जाए। सो फ्रेंड, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी, फिर मैं आपको शो कराऊंगी। एंड आप प्लीज़ चेक करना फ्रेंड, ये बहुत डिलीशियस यम्मी लगती है। अगर मेरी वीडियो कट जाएगी तो इसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है। सो फ्रेंड, पहले ही आपको आई लव यू बोल दे रही हूँ एंड बाय बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत सपोर्ट किया है, इस वजह से थैंक यू। अपने दिल से, ठंडे दिमाग से, तहे दिल से आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। सो फ्रेंड, आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो। सो फ्रेंड, आप जैसे हमें हैप्पी करते हैं वैसे हमें आप हमेशा हैप्पी रहिए, एंड अपनी खुशियाँ आपको और भी मिले। सो फ्रेंड, वेट एंड वॉच, मैं अब दिखाऊंगी कि ये क्या अब होने वाले। सो फ्रेंड, वेट एंड वॉच। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया, एंड चिल्ली एंड ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन पेपर एंड ये कोरिएंडर पाउडर जो भी है मैंने फ्राई किया हुआ था ड्राई, एंड उसकी पाउडर बनाई थी मिक्सर में, एंड उसका देखिए मैंने इसको डाला है। सो फ्रेंड, बहुत डिलीशियस, बहुत यम्मी लगती है, आप ईट करना, बहुत यम्मी है, टू गुड फ्रेंड। एंड आप ये अब ट्राई करना, आपको पता है फ्रेंच फ्राई सबकी फेवरेट होती है, खास करके बच्चे लोग के लिए। एंड मैंने थोड़ी सी चिल्ली इसमें ऐड किया ताकि अच्छे लगती है, तो आप थोड़ा सा ऐड करके आप देखना अगर आपकी चॉइसेस हो तो, अगर नहीं होगी तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड, अब मैं इसको थोड़ी सी मिक्स करूँगी, फिर दिखाती हूँ इसकी लुक कैसी लगती है। वेट एंड वॉच। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए माई फ्रेंच फ्राई इज डन। सो फ्रेंड, अगर थोड़ी भी डिलीशियस लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड, एंड बाय एंड आई लव यू फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए फ्रेंड, बाय एंड आई लव यू, बाय बाय।